हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग आज करने चल रहे हैं एसएससी सीजीएल के टीयर टू का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर। दो दिन पहले हमने डिस्कस किया था, जिस दिन सीजीएल टीयर वन का रिजल्ट आया था उसके दो दिन बाद हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सीजीएल टीयर टू में क्या क्या पूछा जाता है, कब पेपर होने वाला है, कितनी देर का पेपर होता है, और स्पेशली इंग्लिश पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। तो 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन तीन नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, वही 1/3 है, तीन क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन बेकार जाएगा आपका। तो उस दिन वाला डिस्कशन आप लोगों ने देखा था। अब उसी दिन हमने बोला था कि हम जल्दी ही शुरू करेंगे सीजीएल के टीयर टू का जो प्रीवियस पेपर है उसमें इंग्लिश का पेपर सॉल्व कराना। अच्छा, चार ही दिन हुआ है तो चार पेपर है हमारे पास। जब ये चार पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो हम 2021 के करेंगे, और आज हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा पेपर, जो 2 मार्च 2022 को हुआ था वो वाला पेपर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, 2 को हुआ था, 3 को हुआ था, 6 और 7 तारीख को हुआ था, तो ये वाला पेपर करने चल रहे हैं। PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, आप पहले से ही जानते हैं PDF कहाँ मिलेगा। PDF आपको मिल जाएगा हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो बॉक्स का जो लिंक है उस लिंक में देख लीजिए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपना डिस्कशन। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2 तारीख को आया था, 2 मार्च को, सबसे पहला क्वेश्चन था, ये था अंडरलाइन पोर्शन को क्या करना है, ये idiom है और उस idiom की मीनिंग बतानी है कि क्या मीनिंग थी इस idiom की। देखो लिखा हुआ है द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, जो उस एक्सीडेंट में यूथ इन्वॉल्व थे, स्कैप्ड का मतलब क्या हुआ, वो भाग लिया, निकल लिया। स्कैप कैसे, स्कैप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अब बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब क्या हुआ, बहुत बहुत मतलब माइन्यूट से डिफरेंस के साथ बचा है वो, मतलब ये कह सकते हो कि जैसे कहते हैं बाल बाल बचा, एकदम हेयर ब्रिट डिफरेंस से बचा। तो डेफिशिएंसी ऑफ फंड तो ये तो होगा नहीं, बेयरली मैनेज टू एस्केप, मतलब बड़ी मुश्किल से निकल पाया, निकल के भाग पाया वहाँ से, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो कह रहे हैं कि एंटोनियम बताओ किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन क्या किया हुआ है, क्लोजल किया हुआ है। अच्छा, ये अक्सर आ रहा है, पिछले 2-3 दिनों में मैंने जो डिस्कशन कराया है डेली ये वर्ड आ रहा है, कभी क्वेश्चन में कभी ऑप्शन में। तो जब कोलोसल पिछला वाला डिस्कशन मैंने किया था, वो हालांकि सीजीएल का नहीं था, उसका स्टेनोग्राफर का डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें कोलोसल क्वेश्चन आया है। कोलोसल का मतलब क्या होता है, उसमें भी मैंने बताया था वेरी बिग, बहुत बड़ा, और तब उसका ऑप्शन था साइनोनिम में माइटी। ठीक है, तो वेरी बिग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, ह्यूज, और मतलब इसके लिए साइज के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ देखो पूछ रहे हैं एंटोनिम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हद से ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा, तो साइनोनिम टाइप का हो रहा। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत अधिक, लेकिन ये साइज में नहीं क्वांटिटी में होता है। इफ़ देयर इज एनीथिंग इनॉर्मस मतलब क्या हुआ, इनलार्ज क्वांटिटी, नॉट इन बिग साइज, तो क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी। हाँ, यह है कि काम चलाऊँ साइनोनिम, ये भी हो सकता है। टाइनी का मतलब क्या होता है, टाइनी का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर, मतलब बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा, पिद्दी भर का, इत्तू सा। ठीक है, तो ये होता है टाइनी, तो ये हमारा एंटोनिम रहा। रही बात क्वेंट की, तो क्वेंट का मतलब होता है ना स्ट्रेंज, क्या होगा, स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब, अजनबी, अपरिचित सा होता है क्वेंट। आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वंस मोर अंडरलाइंड पार्ट है, और उसका क्या बताना है आपको, मीनिंग बतानी है, क्योंकि ये फ्रेज है, अंडरलाइंड फ्रेज है, तो उसकी मीनिंग ही आपको बतानी पड़ेगी। देखो idiom वाला, माय फादर्स ऑफिस इज एट अ क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम। एट अ क्लोज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। एट अ क्लोज डिस्टेंस मतलब नॉट फार, अभी बहुत दूर नहीं है, घर के पास ही में है। मीनिंग आ जाओ फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ तब यूज़ किया जाता है जब हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बताते हैं कि किसी तरह गुजारा चल रहा है, मतलब मुश्किल से 2 टाइम की रोटी का इंतज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो ये किसी तरह गुजारा करने के लिए होता है, फ्रॉम हैंड टू माउथ ये नहीं चलेगा।
लिखा एट सिक्सेज एंड सेवेंस का मतलब होता है डिसऑर्डरली, हर चीज़ एकदम से मिसमैनेज्ड है, मेसी है, अव्यवस्थित है, तितर बितर है, इधर उधर छितराई पड़ी हुई है, वो एट सिक्सेज एंड सेवेंस होता है। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास ही में, नॉट फार, इसकी मीनिंग क्या होगी, नॉट फार, जो चीज़ दूर नहीं है तो मतलब क्या हुआ, नियर के लिए लगता है। और यही लिखा एट क्लोज डिस्टेंस, पिताजी का ऑफिस घर से बहुत पास में है, तो यही होगा एट ए स्टोन्स थ्रो। अच्छा, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग, इंडिस्पेंसेबल पार्ट, जिसको आप अपने से अलग नहीं कर सकते, वो क्या होता है, पार्ट एंड पार्सल। ठीक, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एरर है। देखो, माय फादर गेव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब मैं 12 साल का था तो हमारे पिताजी ने स्मोकिंग छोड़ दी, तो छोड़ दी, व्हेन आई वाज, कब छोड़ी थी, जब मैं 12 साल का था, तो ये आज की बात नहीं है, पहले की बात है, पास्ट की बात है। तो माय फादर गिव अप नहीं होगा, क्या होगा, गेव अप होगा। ठीक, पास्ट में छोड़ी ना उन्होंने, पास्ट में छोड़ी तो गिव अप का भी पास्ट होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया, दूसरा वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाले में क्या है, देखो नेक्स्ट वाले में फिर वही वाली कहानी आई, ये पी मतलब अब की बार पी क्यू आर एस नहीं है, अब की बार ए बी सी डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जंबल्ड है, ए से स्टार्ट करना, डी तक जाना है, देखना है कौन सा वाला सही है, तो लगा लेंगे और क्या। पढ़ो, लिखा है कि हेल्थी मतलब स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग ट्रीज, जो मजबूत अच्छे ताकतवर बढ़िया पेड़ होते हैं, एक्ट एज कार्बन सिंक, ये लोग कार्बन सिंक का काम करते हैं, जैसे कोई पेड़ है बड़ा स्ट्रांग और हेल्दी पेड़ है तो कार्बन सिंक का काम करेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये कार्बन को ऑफसेट कर लेते हैं और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो जो पेड़ है वो कार्बन सिंक का काम करेंगे, वो कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, लेकिन कैसे, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पेड़, ये बात हो गई इन्होंने ए में कहा। आगे कह रहा है ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर, ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर, जो पेड़ है वो एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, विविध जिसको हम सांस लेते हैं। आगे लिखा है कि थ्रू देयर लीव्स एंड बार्क, कैसे कहाँ से, अपनी पत्तियों से, अपनी छाल से, ये क्या कहते हैं, दे अब्जॉर्ब हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, पेड़ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिलीज क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ, हमारे लिए सांस लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये बी में हो गया। सी में कहा इन्होंने कि इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाता है कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कम्बशन, और जो पेट्रोलियम का कम्बशन होता है गाड़ी मोटर से, गाड़ी मोटर से जो धुआं निकलता है, ठीक है, और दूसरा कारण डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटने से हो रहा है, इनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये क्या करता है, ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करता है, ऊष्मा को रोकता है जो पृथ्वी से वापस जाती है, ऊष्मा उसको रोक लेता है। आगे लिखा इन अर्बन एनवायरमेंट्स, जो शहर का एनवायरमेंट है, जो शहर का वातावरण है, वहाँ पे ट्रीज एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स, अब यहाँ पर फिर पॉल्यूटेंट की बात हुई, शहर में जो पेड़ है वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, ये पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गई, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है ना, एंड स्वीप अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक, इन सबको भी स्वीप अप कर देते हैं। तो ये तीन करीब करीब ऐसे हैं, पहले वाले में क्या बोला कि हेल्दी स्ट्रांग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक, तो ये तो कंक्लूजन में जाएगा कि ये जो हेल्दी पेड़ होते हैं ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, तो ये निष्कर्ष है कुल अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसका निष्कर्ष है। स्टार्टिंग पॉइंट हम कहाँ से लेंगे, ये ट्रीज से शुरू हो रहा है, ठीक है, बीच में गैसेज की बात आई, दो में गैसेज की बात कही है की गई है, तो उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। देखो कंटिन्यू कहाँ से कर पाएंगे, बी से कर पाएंगे। पहले बताया इन्होंने कि जो पेड़ होते हैं ट्रीज होते हैं, या ट्रीज उसमें एयर को क्लीन करके हमारे सांस लेने लायक बनाते हैं, इतना कहने के बाद अब साबित करना पड़ेगा ये काम कैसे करते हैं, कैसे करने में आपका सी डी दोनों लग जाएगा, ठीक है ना, इसी में ये सेट हो जाएगा। तो पहले एक आइडिया है, उसका एक्सप्लेनेशन है, तो बी से स्टार्ट कर लो कि पेड़ जो है वो एयर को क्लीन करने में, मतलब हमारी सांस लेने लायक एयर को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। आगे कह रहे हैं कि क्या करते हैं, तो अपने पत्तियों और छाल के माध्यम से ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इसमें उन्होंने पोल्यूटेंट की बात, पोल्यूटेंट का जिक्र किया। अब बता रहे हैं कि शहर में जो मेन पोल्यूटेंट होते हैं वो हैं कौन से। अभी देखो इन अर्बन एरियाज एब्जॉर्ब ये पोल्यूटेंट, हमने उनका पोल्यूटेंट गैसेज लाइक यहाँ पर पोल्यूटेंट्स की बात की और यहाँ पर क्या करें पोल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इन सब ये सारी चीज़ें हो गई। तो कनेक्ट पोल्यूटेंट के बाद पोल्यूटेंट कनेक्ट करोगे तो बी के बाद क्या लगेगा, बी के बाद आपका डी लग रहा है, क्यों बी में एक पोल्यूटेंट का जिक्र किया, उसके बाद डी में पोल्यूटेंट का जिक्र किया। अच्छा डी में कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, स्वीप अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक, ये डस्ट और स्मोक टाइप के पार्टिकल्स को स्वीप कर जाते हैं, उसको सोख लेते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई कि नहीं हुई है, दूसरे वाले में ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई है, कहाँ है नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, ओजोन हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हो गया। अब इसी में यही जो गैसेज हैं इन्हीं गैसेज को बढ़ाते हो, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज लेवल होता है किससे होता है, डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से होता है, वो एटमॉस्फेयर को क्या करता है उसको गर्म करता है, हीट को ट्रैप कर करके, तीसरा हो गया। अब उसके बाद यही अब बात इन्होंने कंक्लूजन में क्या दिया कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बी के बाद देखो स्टार्ट करेंगे बी से और बी के बाद क्या लगाएंगे डी, उसके बाद सी आ रहा है, बी डी के बाद सी, ए शुरू में लगाओ या बाद में लगाओ लेकिन बी डी सी का कम्बिनेशन पक्का है। तो बी डी सी कहाँ पर कम्बिनेशन है, इसमें है नहीं बी डी सी, इसमें क्या रहा है यहाँ है बी डी सी के बाद ए लग रहा है, ए से स्टार्ट करते हैं तो बी सी डी हो जा रहा है, जबकि जो सी है वो डी के बाद आना चाहिए, बी और डी के बीच में कोई नहीं आएगा, क्लोज कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, तीसरा वाला ऑप्शन हुआ। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ये वाला रहा फिलर का, देखो क्या लिखा है, विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली, मंत्री जी ने कौन सा डैश अपनाया असेंबली पहुँचने के लिए। तो ये वाली रूट क्या होती है, जड़, ये नहीं होगी, ये रॉट होता है सड़ना, ये रूट होता है रास्ता, तो यही वाला लगेगा, या रायट का मतलब क्या होता है दंगा फसाद के लिए लगता है, तो कौन सा आएगा रूट की ये वाली स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट आ जाओ भैया, नेक्स्ट में क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ट बताओ, इनकरेक्टली स्पेल्ट वो वर्ड बताओ जिसकी स्पेलिंग गलत हो तो डिसेंडेंट की स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा, डिसीज की स्पेलिंग सही है, ये नहीं होगा। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, वंशज, किसी के वंशज, डिसीज्ड का मतलब क्या होता है डेड, डिसीज्ड का मतलब क्या हुआ डेड, मरा हुआ, और डिसिमेट दिया हुआ है, डिसिमेट की भी स्पेलिंग सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। तब डिसिमेट की मीनिंग क्या होगी भाई, देखो डिसिमेट की मीनिंग होती है ना तबाह कर देना किसी को, क्या होता है तबाह, बर्बाद कर देना किसी को। अब डिसीडेंट है, डिसीडेंट में यही गड़बड़ी है, ये होगा डी ई सी ई डी ई एन टी, तो स्पेलिंग इसी की गलत है, अगर इसकी स्पेलिंग गलत है तो यही आपका आंसर होता है, और डिसीडेंट का मतलब भी होता है कौन, ये डेड होता है, डिसीज और डिसीडेंट दोनों का मतलब होता है डेड, मरा हुआ, आंसर मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको कहाँ से बताना है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ नहीं एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जिनकी स्पेलिंग गलत है, तो ये एक फिलॉसफी लिखा हुआ है और थिंक लिखा हुआ है, कहाँ गया थिंक, कहीं ये मिल गया थिंक, और अटेम्प्ट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट अटेम्प्ट कहाँ मिला है, ये अटेम्प्ट मिल गया, और एक सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, तो सिस्टमेटिक कहाँ है, ये दिया है सिस्टमेटिक। तो अब हम यहाँ क्या ढूँढ रहे हैं, इसको वही वर्ड जब यहाँ पर लिखे हुए हैं तो यहीं से प्रैक्टिस करो। तो फिलोसफी में पी एच आई एल ओ एस ओ पी एच वाई ठीक है, तो आंसर नहीं होगा, थिंक में टी एच आई एन के ठीक है, अटेम्प्ट में ए डबल टी ई एम पी टी ये भी सही है, तो क्या होगा सिस्टमेटिक में स्पेलिंग गलत हो गई, सिस्टम की क्या होती है एस वाई एस टी ई एम। अब एटिक में क्या होगा, यहाँ पे लगाना ए उसके बाद टी आई सी, तो यही वाला जो ए लगाना था वो यहाँ पे क्या हो गया ई लग गया है, गलत हो गया, तो जो गलत हुआ वही आपका आंसर होगा, तो सिस्टमेटिक स्पेलिंग गलत थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या करें इनडायरेक्ट स्पीच बताओ, माई ब्रदर सेड टू मी, भाई ने मुझसे कहा, अब आगे लिखा है डोंट प्ले इन द रेन, बारिश में मत खेलो, मना किया ना, डोंट प्ले मना कर, मना किया तो एश्योर्ड मी लगेगा नहीं, रिफ्यूज्ड मी हो सकता है, फॉरबेड मी हो सकता है, सेड टू मी नहीं होगा, मना किया, तो यहाँ क्या लिखा रिफ्यूज्ड के साथ नॉट नहीं लगाओगे, ठीक है, अगर लिखा ये तो खैर पहला गलत था, रिफ्यूज्ड के बाद क्या लगाओगे नॉट नहीं लगाओगे,
रिफ्यूज मतलब मना किया, फिर से नॉट लगाना गलत हो जाएगा। तो तीन गलत हो गया, फॉरबेड वाला सही हो गया। माय ब्रदर फॉरबेड मी, फाई ने रोका बारिश में खेलने से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है, फिर से पैसिव वॉइस। वी कैन बाय बुक्स ऑनलाइन फ्रॉम अमेजन। तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पैसिव बनाओगे, मॉडल वर्ब है तो कैन बी लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। कैन बी बॉट, कैन बी बॉट, क्या चीज़ बुक खरीदना है, बुक्स खरीदना है। तो बुक्स कैन बी, देखो कैन का कुड नहीं होगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, एक्टिव से पैसे है, कैन नॉट बी चेंज इनटू कुड, कैन बी ही चाहिए हमें, और आर और वर्क की कोई गुंजाइश नहीं, यही है केवल कैन बी, हो गया काम। नेक्स्ट में आ जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। अब फिर से अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन वो लंबा चौड़ा इतना लंबा चौड़ा है कि वो को दो पेज में ले जाना पड़ा मुझे। चलिए फिर कोई बात नहीं है, पढ़ के देखो इसको। पहला ए में लिखा है द प्रिंसिपल दैट इमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स, ये ध्यान रखना, दोज ट्रायल्स जहाँ लिखा हुआ है यहीं हमको पकड़ लेना है किस ट्रायल्स की बात हो रही है। द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स नोन एज द नरेमबर्ग, ठीक है, नोन एज द नरेमबर्ग कोड, इनको नरेमबर्ग कोड कहते हैं, आर ब्रॉडली अप्लीकेबल टू मेनी टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, ये बात हो गई। आगे इन्होंने कहा कि द ग्रोइंग ब्रेथ, ठीक है, द ग्रोइंग ब्रेथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेम्पोररी हेल्थ चैलेंजेज हैव प्रोड्यूस्ड अ रेंज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन नॉट ऑलवेज बी एडिकेटली एड्रेस्ड बाई रिलाइंग एक्सक्लूसिवली आर ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट। इन्होंने कहा इसके लिए हम केवल एग्जिस्टिंग पॉलिसीज पर ही डिपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आता है आपका सी और डी। सी में क्या लिखा है कि रिसेंट फॉर्मल एफर्ट्स, जो अभी हाल ही में फॉर्मल एफर्ट किए गए हैं टू आर्टिकुलेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स अप्लीकेबल टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर कैन बी ट्रेस्ड टू द नरेमबर्ग ट्रायल्स ऑफ, यहाँ देखो क्या लिखा है, नरेमबर्ग ट्रायल्स ऑफ 1947 ड्यूरिंग विच द हॉरर्स ऑफ नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स केम टू लाइट। जब ये नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हमारे समझ में जानकारी में हमारी ध्यान में आए थे, तो वहाँ पे किस में ए में ट्रायल्स की बात हुई है ना, ये किसके यहाँ पे कुछ मेडिकल ट्रायल्स की बात हुई है, दोज ट्रायल्स लिखा था तो, और सी में किसी ट्रायल की बात हुई है, इसका मतलब हम सी के बाद क्या लगाएंगे, जिसमें हमें दोज ट्रायल्स का जिक्र मिला था हम सी के बाद वही लगाएंगे। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है बताइए, इसमें सी के बाद दोज वाला किस में लिखा था, दोज वाला ए में लिखा हुआ था, तो इसका मतलब सी के बाद हमें ए आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो जहाँ पे सी ए मिलेगा पहले वो ढूंढ लो, पढ़ना चाहो तो चौथा भी पढ़ दे रहे हैं लेकिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सी के बाद ए फिक्स है तो पहले सी के बाद ए लगाओ। यहाँ पे हमें सी के बाद ए मिला है, यहाँ सी के पहले ए मिल गया नहीं होगा, यहाँ डी के बाद ए मिला नहीं होगा, यहाँ डी के बाद ए मिला नहीं होगा, ये सी ए, ये एक ही है जिसमें सी के तुरंत बाद ए लगा हुआ है। फिर आपको एक बार दिखा रहा हूँ सी ए हमने क्यों लगाया है, देखो यहाँ लिखा है कि नरेमबर्ग ट्रायल्स ऑफ 1987। अब आ जाओ, अब यहाँ देखो यहाँ पे दोज ट्रायल्स की किस में आई है, ए में बात आई है दोज ट्रायल्स, मतलब उन ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, तो एक वहाँ पर नरेमबर्ग ट्रायल्स है, एक यहाँ पर दोज ट्रायल्स है, तो सी के बाद ए फिक्स कर लो। ठीक, पहले दोज तो लगेगा नहीं, पहले वही लगेगा नाउन वाला नरेमबर्ग, उसके बाद क्या हुआ, सी के बाद ए हुआ, तो हम यही तो ढूंढ ही रहे थे, आंसर हमारा मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या ही कहा इन्होंने, इनडायरेक्ट बनाओ। इनडायरेक्ट मतलब ये लिखा है सिखा सेड, सिखा ने कहा, क्या कहा, सिखा ने कहा कि द हैवी रेन दिस वीक, अब यहाँ हमको दैट लगाना है, द हैवी रेन में कुछ करना नहीं है, दिस का दैट बनाना है, और हैज का क्या बनाना है, हैड बनाना है, और माई का क्या हो गया, सिखा का हो गया हर, इतनी जगह चेंज कर लो। देखे तो कहाँ हुआ, यहाँ सेट के बाद दैट लगा है, ठीक है, हैवी रेन दिस 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 गलत हो गया इसका, तो ठीक है यहाँ जाओ सिखा सेट दैट द हैवी रेन दैट वीक हैज नहीं होगा, सिखा टोल्ड मी हो ही नहीं सकता, सेट का लिसनर नहीं दिया हुआ है, तो एक बच रहा है लगा हुआ, और क्या करोगे, सिखा सेट दैट द हैवी रेन
देखो यहाँ पे क्या हुआ, दैट लगा यहाँ पर, दैट वीक लगा यहाँ पर, हैज का हैड हो गया और माई का हर हो गया, सब कुछ तो ठीक है यहाँ चौथे वाले में। ठीक, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच इसकी चेंज करनी है। लिखा है कि राघव सेट्टू मीरा, आर यू अपसेट विद मी, तो ये क्वेश्चन है ना, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहाँ सेट्टू की जगह आस पड़ो जाएगा, चारों में दिया हुआ है। अब यहाँ आर यू, आर यू का मतलब क्या हुआ, आंसर कैन बी गिवन इन एस आर नो, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यस या नो में आंसर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए क्या लगाओगे, इफ़ या वेदर लगाओगे, इफ या वेदर। तो एक देखो यहाँ पे क्या लिखा, वाई लिखा हुआ, इसको काट दो। ठीक है, ये बाकी सब में इफ़ लगा हुआ है, यू किसके लिए लगा है, मीरा के लिए, तो हो गया सी, इफ सी। ठीक है, तो क्या होगा, इफ सी, और आर जो है वो पीछे लाके क्या होगा, वाज लगाओ, इफ सी वाज अपसेट विद मी, मी कौन है, राघव है, हिम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मी और हर तो कट गया, बचा हिम वाला, तीन कट गए ना हमारे आंसर। देखो ये गलत हो गया मी की वजह से, ये गलत हो गया वाई की वजह से, यहाँ क्या लिखा, हर की वजह से, जबकि वो अपने लिए कह रहा है ना, राघव क्या तुम मुझसे तो नहीं डिस्टर्ब हो, तो लिखा कि राघव आस्ट मीरा, इफ लगा है, सी वाज लिखा है, अपसेट विद हिम लिखा, यही चौथा वाला करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, खाली जगह भरो। देखो लिखा है कि द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स, फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चलो ताश खेलते हैं, टू डैश टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब, जब तक कैब आ रही है तब तक चलो ताश खेल करके टाइम पास करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, टू पास द टाइम, टू पास द टाइम में टू ईज द टाइम होगा नहीं, टू मूव द टाइम होगा नहीं, टू इग्नोर द टाइम होगा नहीं, टू किल द टाइम, टाइम के लिए दो चीज़ें, टू पास द टाइम लगाते हो या टाइम किल करने के लिए, कहते हैं ना कि टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो टाइम किल क्यों कर रहे हो, तो टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, किल लगाते हैं टाइम वेस्ट करने को। नेक्स्ट आ जाओ, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, 15 नंबर पे, देखो एरर लगा हुआ है यहाँ पे, नो एरर का ऑप्शन। देखो लिखा है कि ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, ही लिव्ड वो रहता था, क्लोज टू, क्लोज के बाद टू लगता है, सही है, द ट्रेन स्टेशन मतलब ये भी ठीक है, येट ट्रेवल्ड बाई बस, फिर भी वो बस से यात्रा किया करता था, कोई गलती नहीं है, नो एरर, कोई गलती ही नहीं है भैया, तो क्यों ना करोगे, नो एरर करो और क्या, जब गलती नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों करें। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट एंटोनीम, यही हमको चाहिए ना, एंटोनीम अंडरलाइन तो दिख ही रहा है, एंटोनीम बताना। द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या हुआ, बहुत सख्त है, स्कूल की जो नई प्रिंसिपल है वो क्या है, बहुत सख्त हैं, बहुत मतलब स्टर्न का मतलब क्या सकते हो, स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, बहुत सख्त हैं, बिल्कुल ढील नहीं देती। येट ही अंडरस्टैंड्स द नीड्स ऑफ द सबॉर्डिनेट, सख्त तो हैं, बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन अपने सबॉर्डिनेट की ज़रूरतों का वो ध्यान रखती हैं, तो इसका सख्त का एंटोनीम क्या होगा, लीनियंट हो गया, लीनियंट का मतलब क्या होगा, उदार, बड़ी नरम है, ठीक है, उदार या नरम, कोई थोड़ी बहुत गलती भी कर देता छोड़ देते, ये हो गया लीनियंट। नॉक्सियस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब जानते हो, ये होता है हार्मफुल, कोई चीज़ जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है वो क्या होगी, नॉक्सियस होगी। फ्लिपेंट क्या होता है, तो फ्लिपेंट का मतलब होता है बहुत ही मामूली सा, फ्लिपेंट क्या समझोगे, बहुत ही मामूली, ऐसे समझ लो। और डिसोलेट का मतलब एकदम वीरान, ऐसी जगह जिसको सब लोग छोड़कर चले गए हों, वहाँ कोई नहीं रहता, तो होती है डिसोलेट। आंसर कौन सा हुआ, लीनियंट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 पे, क्या करना है, खाली जगह भरना है। लिखा है विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, विशाल कहानी को पढ़ने जा रहा है अलाउड, ठीक है, जोर से, जोर जोर से, कोई कहानी पढ़ेगा तो जोर जोर से पढ़ेगा ना, कि लोड पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, ये वाले अलाउड, ये अलाउड नहीं है, अलाउड जोर से के लिए लगाया गया है वहाँ पे, तो पहला वाला होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, देखो नेक्स्ट में फिर अरेंजमेंट है, अरे कितना अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे भाई, चलो कोई बात नहीं, इसमें फिर हम लोग देखते हैं 18 नंबर पे क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेनी फिटनेस ट्रेन्स ट्रेनर्स, ठीक, मेनी फिटनेस ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड, इन भोजन्स को, दीज दोज के साथ कुछ आया तो पकड़ो, इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल्स। बहुत सारे जो फिटनेस ट्रेनर हैं वो लोगों को जो जिम करने जाते हैं उनको सिखा, उनको इनक्रेज करने करते हैं कि आप लोग ये वाला फूड लीजिए, अपनी मसल्स को बिल्ड करना है तो चलो। अच्छा,
ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती ना दीज फूड लिखा हुआ। आगे लिखा है कि पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड, जो पावर फूड है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं इन योर एवरीडे डाइट, रोज रोज की डाइट के चार्ट में, इन अ वैरायटी ऑफ वेज, कई तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो पावर फूड है जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनको आप अपने डेली के चार्ट में, डेली के भोजन वाले चार्ट में कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, भिगा के खाओ, भून के खाओ, उबाल के खाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो, लिखा है तीसरे वाले में द सीक्रेट ऑफ गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड, जो आउट पावर फूड है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम निकाल पाएँ, एनर्जी निकाल पाएँ, उसका सीक्रेट क्या है कि ऑफकोर्स नोइंग हाउ टू कुक देम प्रॉपरली। उस पावर फूड से जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो इस पर डिपेंड करती है, इस राज पर डिपेंड करती है कि क्या हम जानते हैं कि उससे मैक्सिमम एनर्जी कैसे निकालें, कैसे। उसके बाद क्या रहे कि बाइंग सीजनल प्रोड्यूस, जो सीजन सीजन में जो आया करता है वो कैसे होगा। रिकॉग्नाइजिंग योर प्रिफर्ड फेवर फ्लेवर प्रोफाइल, आप अपनी फ्लेवर की प्रोफाइल भी तो रिकवर मेंटेन करेंगे क्या, किस में आएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक कि लास्ट में जा रहा है कंक्लूज, ये जो सीक्रेट है कि ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं ना कि ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये लास्ट का सेंटेंस लग रहा। आगे लिखा है पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट सच एज फाइबर हो गया, पोटेशियम हो गया, मिनरल्स हो गया। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है पावर फूड को, इंट्रोड्यूस कर रहा है। पावर फूड क्या होता है, हाई न्यूट्रिएंट वाले फूड होते हैं, जैसे फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। अब ये हाई फूड वाला है तो ये कहाँ से रिलेट हो जाएगा, जिम फिटनेस करने, जो जिम फिटनेस में फिटनेस ट्रेनर होते हैं वो भी इसी को रिकमेंड करते हैं। तो इसका मतलब वो हम डी के बाद ए फिट कर लें, तो डी के बाद ए फिट करने वाला यही है जो डी के बाद ए फिट हो रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। ए के बाद बी कंटिन्यूड है, ए में कहा कि पहले, डी में कहा कि पावर फूड क्या होता है, फिर बताया कि जिम ट्रेनर जो हैं वो अपने ट्रेनीज को इसी को रिकमेंड करते हैं अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए। फिर ये बता रहे हैं बी वाले में कि पावर फूड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कि हम उसको कितने वैरायटी अलग अलग तरह से उसको अपने भोजन की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर आता है सी के कैसे आप बेस्ट पाएंगे इनका, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा, दूसरा वाला। अब नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, 19 नंबर में साइनोनिम किसका बताना है, अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन क्या है वोज में, लिखा है कि नारकोटिक ड्रग एडिक्शन। नारकोटिक ड्रग एडिक्शन मतलब जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, नशा करते हैं। इन वोज, इन वोज का मतलब क्या होता है, इन फैशन, आजकल ये चीज़ फैशन में है, प्रचलन में है, तो इन फैशन होगा और कुछ हो ही नहीं। इन ऑब्सक्योरिटी, इन स्टैंडर्ड और डिमांड नहीं होता, इन वोज लिखा है ना, इन वोज का मतलब प्रचलन में, फैशन में, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है, फैशन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 नंबर पे, क्या करना है भैया इसमें, ये अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं इसको इम्प्रूव करो, क्योंकि अगर इम्प्रूव नहीं करना तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर, तो मत करो। तो पहले पढ़ के देखो, एडवर्ड सेकेंड इज ट्रैजिक दैन सम अदर प्लेस बाई द ड्रामेटिस्ट, तो ट्रैजिक पॉजिटिव डिग्री में है ना, पॉजिटिव डिग्री के साथ हम दैन नहीं लगा सकते। आप देखते हैं कि कौन सा कम्बिनेशन हमको मिलता है, पॉजिटिव का मिलता है दैन हटा के या दैन रहता है, तो लेस ट्रैजिक दैन, लेस ट्रैजिक दैन मतलब उससे कम दुखद है, ठीक तो है। यहाँ लेस कंपरेटिव डिग्री के साथ दैन लगाओगे, नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, वो गलत है। द मोस्ट ट्रैजिक, द मोस्ट ट्रैजिक के बाद ये जो लिखा है ना, सम अदर प्लेज, द मोस्ट ट्रैजिक सम अदर प्लेज नहीं, अगर होता कि द मोस्ट ट्रैजिक ऑफ सम अदर प्लेज, वो कुछ जो अन्य प्ले हैं उनसे, उनमें सबसे ज़्यादा ये ट्रैजिक है, तो अगर ऑफ लगा होता तो ये मान सकते थे, अब नहीं लगा पाओगे। एट लीस्ट एज ट्रैज, मतलब एज लीस्ट ट्रैज, अरे यार एज ट्रैजिक है, ये यहाँ लगना चाहिए था, एज ट्रैजिक एज होता, ठीक है, और ये लिस्ट पहले कर लो, एट लीस्ट एज ट्रैजिक एज, तब तो ये हो भी सकता था, अब ये नहीं हो पाएगा। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है, कौन सा, यही वाला जो पहले ही बता दिया था कि लेस ट्रैजिक कंपरेटिव हो गया, उसके साथ दैन लगा दो, क्लियर हो गई ना बात, ठीक है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा 21 में क्या है इन्होंने दिया कि एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करो, माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड, माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड, तो माई रिक्वेस्ट को क्या करो, कान पकड़ के इधर ले जाओ, कंसीडर को मेन वर्ब बना दो, तो क्या हो गया, कंसीडर माई रिक्वेस्ट, क्या बनना चाहिए, ये कंसीडर माई रिक्वेस्ट बनना चाहिए, ठीक है।
प्लीज़ अगर लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड बन जाएगा, ठीक है। प्लीज़ नहीं लगाना है अभी इसमें, शुड वाले में प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। कंसीडर माई रिक्वेस्ट का मतलब मेरी रिक्वेस्ट, मेरा जो अप्लीकेशन है उसको आप विचार करिए। प्लीज़ कहाँ कर गए, प्लीज़ लगाओगे तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसीडर माई रिक्वेस्ट, ठीक है। चलो तो जो सही है वो कौन सा होगा, कंसीडर माई रिक्वेस्ट, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, आयोग ने जो आंसर की आई है, आयोग का आंसर की जानते हो क्या हो, ये है प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, आयोग कह रहा है। जबकि ये आंसर किस तरह से उन्होंने कह दिया, ये बात गले के नीचे उतरी, इन्हें हजम नहीं हुई। हम इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं आर्डर और एडवाइस में, क्या जब आर्डर होगा और एडवाइस होगा तो हम लेट से बनाते हैं या शुड से बनाते हैं। जैसे कंसीडर माई रिक्वेस्ट को अगर हम लेट से बनाते हैं क्या होगा, लेट माई रिक्वेस्ट बी कंसीडर्ड, शुड से बनाते हैं तो माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड, ये बनता। अच्छा प्लीज़, जब इसमें प्लीज़ लगा ही नहीं हुआ है तो यहाँ पे प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, हम क्यों यहाँ लिखा माय रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड, शुड बी कंसीडर्ड में हम प्लीज़ का कंसेप्ट कहाँ से ले आएँ, ठीक। अब आयोग ने कैसे माना था ये मैं कहता कह नहीं सकता, मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए आयोग ने ये माना था, ठीक। अब आपकी मर्जी होगी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 पे, ये खाली जगह भरनी है। देखो लिखा आ गुड लीडर शुड बी रेडी टू, एक जो अच्छा नेता होता है, एक गुड लीडर होता है, उसको किसके लिए तैयार होना चाहिए, डैश क्रिटिसिज्म, तो अपनी आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार। भाई एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी कमियों को भी सुनता है, ऐसा नहीं कि हमारी किसी ने बुराई कर दी तो बस हम उसके खिलाफ अब नहीं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है जाने दो। तो गुड लीडर शुड बी रेडी टू क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म शुड बी रेडी टू सेटल, नहीं शुड बी कैरी, नहीं शुड बी फेस, यस शुड बी मीट, नहीं तो क्या होगा, इनका सामना करना होगा, इसको सुनने के लिए हमें तैयार रहना होगा, तो क्रिटिसिज्म को हम फेस करते हैं। आगे आ जाओ, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करो, किसके लिए, विलफुल डिस्ट्रक्शन। विलफुल का मतलब क्या हुआ, जानबूझकर वेल प्लान्ड तोड़फोड़ अगर कहीं मचाते हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं सैबोटेज, ये होगा। डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा होती है, कैलिमिटी क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होती है। कंबशन का मतलब क्या होता है, आग में कोई चीज़ जल के ख़त्म हो जाती है। और जानबूझकर विलफुल क्या होता है, हम जानबूझकर किसी के घर में आग लगाएं या कुछ तोड़े फोड़े, उसको सैबोटेज या तोड़ फोड़ कहा जाता है, ठीक है ना। होता है इसमें भी, इन दोनों में भी होता है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से होगा, भूकंप भूकंप आ गया तब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, और 24 पे देखो, ये खाली जगह भरा हुआ, क्या करना है, द हाउस दे बॉट, ये घर जो उन लोगों ने खरीदा था, डैश स्पेसियस दैन देयर, ये दैन लग गया तो फिर कंपरेटिव डिग्री लगाओ, मोस्ट नहीं, मोस्टली नहीं, एज नहीं, क्या लगेगा, मोर लगेगा, ठीक है। इसमें क्या समझाएं जी, आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या हुआ है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किसका देखना, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, देख लो खुद की तारीफ करना, या हरसेल्फ, टू मच इतनी ज़्यादा, कोई आदमी जो खुद की ही तारीफ किया करता हो, आह आत्ममुग्ध है, हम ही सबसे सुंदर है, ऐसी जो आत्ममुग्धता होती है उसको ईगोइस्ट नहीं कहते, घमंडी होता है, डिक्टेटर नहीं होगा यहाँ पे तानाशाह, सेल्फिश नहीं होगा, नार्सिसिस्ट कहते हैं। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या हुआ, अपनी प्रशंसा अपने ही मुँह से करने वाला, अपने मुँह मियाँ मिट्टो बनने वाला, ठीक। आगे आ जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आ गया फिर से अरेंजमेंट, हे भगवान मैं तो उब गया हूँ इस अरेंजमेंट से भाई, चलो स्टार्ट कर लो और क्या। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली, जो टाइगर है कैट फैमिली के सबसे लार्जेस्ट मेंबर, सबसे बड़े वाले हैं। दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, ये एशिया के बहुत सारे हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है भैया, पाए जाने दो, ये हो गया, लग तो रहा है ऐसे ही शुरुआत हो जाएगी। लिखा है कि दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट, जंगल में पाए जाते हैं, तो पहले जंगल उठाओ कहीं से, तो ये ज़्यादातर डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं। एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दिन भर सोया करते हैं। दे कम आउट फॉर हंटिंग, रात में आते हैं, हंटिंग पिक्स एंड डियर बाय नाइट, दिन में सोया करते हैं, मस्त घोड़ा बेच के उसके बाद रात में शिकार करेंगे जब इनका शिकार सो रहा होता है, चलाक हैं। आगे आ जाओ, इट इज अज्यूम्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन वाइल्ड, ओए होए, ये लिखा है डार्क फॉरेस्ट, ये लिखा है वाइल्ड, इसका मतलब डार्क फॉरेस्ट पहले ले आए कि वाइल्ड, पहले वाइल्ड ले आओगे, जंगल में रहते हैं, फिर जंगल में कहाँ रहते हैं, डार्क जंगल में रहते हैं, घने जंगल में रहते हैं, मतलब हमारा सी के बाद बी लगेगा, एक क्लू हमको मिला है सी के बाद बी लगने वाला। आगे लिखा है कि दिस स्पेसीज लुक
स्पेक्टेकुलर एंड ग्रैंड एंड ये बड़े शानदार लगते हैं, दर्शनीय लगते हैं। एंड दे आर वेरी पीसफुल इन देयर मूवमेंट, अपने मूवमेंट में जब ये चलते हैं बड़े ग्रेसफुल चलते हैं, ग्रेसफुल पीसफुल नहीं था, गलती से बोल दिया था, ग्रेसफुल के मतलब बड़ी नज़ाकत से चलते हैं, बड़ी स्टाइल से चलते हैं। कभी टाइगर को चलते हुए देखा है? अभी लिखा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट द जंगल बैकग्राउंड। तो ये तो फिर लास्ट में आना चाहिए, फाइनली जब वो क्योंकि घने जंगल में रहता है, तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि मतलब अगेंस्ट जंगल बैकग्राउंड, मतलब जहाँ जंगल बैकग्राउंड ना हो वहाँ पर इनको देख पाना करीब 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 नामुमकिन होता। तो डी लास्ट में जा रहा है। पहले हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग तो एक ही हो रही है, स्टार्ट यही हो रहा है, कह रहे हैं कि टाइगर साथ लार्जेस्ट कैट फैमिली के मतलब इनका परिचय दे दिया और ये कह रहे हैं कि एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं, तब कहेंगे कि जंगलों में रहते हैं, जंगलों में कहाँ, घने जंगलों में रहते हैं। ठीक है, ए करो, सी करो, बी करो, तो पहले ए होगा, सी होगा, बी होगा, डी मैंने कहा ही था लास्ट में होगा। ए सी बी डी कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, ए सी बी डी, यही आंसर लगा दो। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करें फिर से बताओ। एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है? द टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, हैज़ के साथ लिखा है बीन, और यहाँ किसने कम्प्लीट किया है, यहाँ कोई कम्प्लीट करने वाला हमको चाहिए, तो किसने कम्प्लीट किया? चारों में समवन ही लगा हुआ है तो फिर कोई झगड़ा झंझट ही नहीं है। अब रहा हैज़, तो बीन एक्टिव बनाओगे बीन कट जाएगा तो हैज़ लगेगा, हैज़ लगेगा तो ये विल और ये कट गया। अब बचा आपके पास हैज़ कम्प्लीटेड, हैज़ बीन कम्प्लीटिंग। देखो हैज़ बीन के साथ आई एनजी नहीं लगाना है ना, इसको आपको किस में एक्टिव में बनाना है, ये पैसिव में है, तो हैज़ बीन था, बीन हटाओ, हैज़ कम्प्लीटेड हो जाएगा, तो ये वक्त पर दूसरा वाला आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ भैया, नेक्स्ट में क्या है? अरे फिर से अरेंजमेंट, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि दे स्टैंड अनडिफीटेड, दे लगा हुआ है, दे किसके लिए लगा है? अभी मिलाना है, तो इनको तो किनारे कर लो, ये बाद में लगेंगे। दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रियल्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। ठीक है, कौन है ये लोग? आगे लिखा है कि इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जेम्पलरी स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी टेलिंग में क्या महारत हासिल है, इंडिया एक ऐसा देश है। कह रहे एडिशनली द फिलोसफिकल डिस्कस में तो वार्तालाप एंड डिस्कशंस ऑन वेरियस डायलेमास ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद द भगवद गीता, आगे लिखा है कि आर हाईली अप्रिशिएटेड बाय स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया जाता है, जो गीता में लाइफ की समस्याओं को जिस तरह से डील किया गया है। आगे लिखा इन्होंने कि महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोजल वर्क, बड़ा काम हुआ। अभी फिर कोलोजल बोला था थोड़ी देर पहले, कोलोजल मतलब बहुत बड़ा साइज में आ गया कोलोजल वर्क, दैट अनक्वेश्चनेबली एंजॉय द वर्चुअ बींग पीक सोर्सेज फॉर द कल्चरल इथोस ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि जो रामायण और महाभारत जो है ये हमारे क्या होगा, एग्जेम्पलरी उसके स्टोरी टेलिंग का उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर इमेंस प्रोलिक्सिटी है और एग्जेम्पलरी स्टोरी टेलिंग है। इसी एग्जेम्पलरी स्टोरी टेलिंग के बाद जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं रामायण का और महाभारत का, उठा के उनको फिट कर दो तो डी लग जाएगा। बी के बाद क्या लग गया? डी लग गया। अब बी के बाद जो डी लग गया तो ये तो एग्जाम्पल हो गया ना, अभी शुरुआत नहीं हुई है। शुरुआत आप इसको किससे करेंगे, या फिर पी डी से ही शुरुआत करेंगे? ए सी हमको एक बार फिर देखना पड़ेगा, ए में दे लगा हुआ ये हो नहीं सकता शुरुआत में। सी में लिखा हुआ एडिशनली के मतलब शुरुआत, ये भी नहीं होगा, एडिशनली के मतलब इन सब के अलावा, तो ये भी स्टार्ट नहीं करेगा, कुछ पहले ही आ चुका होगा तभी कहेंगे इन सब के अलावा। तो इन सब के अलावा किसके? रामायण महाभारत के अलावा किसकी बात की गई? भगवद्गीता की बात की गई, इसका मतलब ये बाद में ही आएगा। तो बी सी बी दिया पहले ही लगा लो। ठीक है, तो बी पहले हो गया क्योंकि ए में सी में कोई आ नहीं रहा है, बी डी हो गया, और बी डी के बाद क्या लगा दोगे आप? बी डी के बाद ए पहले आ जाएगा, पहले दे लगा दो, बाद में एडिशनल लगा दो। बी डी से स्टार्ट करने का मतलब वो हमारे पास न ये ऑप्शन है न ये ऑप्शन है, इस एक बी डी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, वही लगाओगे और क्या करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या है देखो,
लो एक नए टाइप का क्वेश्चन, हद होती है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो एक स्टेटमेंट दिया है एस वन में एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, फिर एस टू को खाली छोड़ दिया, एस थ्री को खाली छोड़ दिया, अब क्या है एस फोर से कंप्लीट किया जाए वन आप, ठीक है, तो एस टू की जगह पर एस टी की एस थ्री की जगह पर कौन कौन आएगा, आपको चार स्टेटमेंट मिलेंगे, उसमें से आपको दो छांट लेने हैं, ठीक है, दो फालतू होंगे। अब ये नए टाइप का है, चलो इसका भी आनंद लेते हैं, लो आनंद क्या होगा, पहले पढ़ो इसको। द मेन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेज, औरतें और पुरुष एक जगह अपनी अपनी जगह पर, देयर प्लेस में अपनी अपनी जगह पर बैठ गए आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग, मतलब शुरू आते हैं सब लोग आपस में एक दूसरे से मेल जोल होता है, मेल जोल होने के बाद सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, एंड इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कन्वर्सेशन फिल द रूम, और तुरंत बाद एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, बड़बड़ 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 शुरू हो जाता है, उस पूरे कमरे में भर गया, ये माहौल है एस वन का। एस फोर का माहौल है कि वन आर टू ऑफ द वुमेन, उनमें से एक या जो दो महिलाएं हैं वर एक्चुअली बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन द सोफा कुशन, एक दो महिलाएं ऐसी हैं जो सोफा कुशन पर कूद रही थी, मतलब बाउंस कर रही थी, ये एक माहौल हो गया। अब यहाँ दो तीन में क्या लगा सकते हो, आ जाओ नीचे, ठीक है, याद है पहला कुछ लोग अंदर आते हैं हॉल में, आपस में एक दूसरे से मेल जोल होता है, फिर पुरुष और स्त्रियाँ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, आखिरी सेंटेंस है कि एक दो महिलाएं थी जो सोफे के कुशन पर कूद रही थी, ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब कहना है कि जो दूसरा और तीसरा छूटा है उसकी जगह पर क्या लगाओगे, आगे लिखा है कि सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड, अच्छा इसलिए जो टू पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज हैं, उनको क्या करना पड़ रहा है, एक दूसरे की ओर झुकना पड़ रहा है, देयर एल्बोज ऑन देयर नीज, देयर एल्बो मतलब क्या हुआ, ये कोहनी किस पर घुटने पर टिके हुए आगे की ओर सब लोग झुके हुए बैठे थे, क्यों झुके हैं अब ये देखना पड़ेगा। फिर क्या है, एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड आफ्टर ऑकवर्डली, शुरुआत में ये लोग आपस में मिलते हैं बड़ी ऑकवर्डली मिलते हैं, क्लचिंग देयर ड्रिंक्स, अपने अपने ड्रिंक्स को हाथ में ले करके वॉकिंग हियर एंड देयर, देखें और इसी तरह की कोई बैटर मिलता है तो फिर करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लिखा कि सेवरल पीपुल मेड अ लास्ट मिनट डैश, कुछ लोग उसमें से लास्ट मिनट डैश करते हैं, लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कन्वर्सेशन कुड स्टार्ट, कन्वर्सेशन स्टार्ट होने के पहले लोग लास्ट मिनट में बाथरूम जाते हैं, ये बात नहीं है। आगे लिखा है कि द मेन्स चेयर वर फार इनफ, जो मेन्स चेयर थे, जो पुरुषों की चेयर थी वो क्या थी, फार इनफ, थोड़ी दूरी पर थी अवे फ्रॉम द वुमेन्स काउचेज, जहाँ औरतें बैठी थी पुरुषों की चेयर वहाँ से थोड़ी दूरी पर थी, कनेक्ट कौन हो रहा है, एस के साथ पी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले शुरुआत में क्या हुआ, जब वो लोग आए इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है, फिर सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, अच्छा अपनी अपनी जगह पर बैठ जाने के बाद ये कहा, तभी तो हम कंटिन्यू करेंगे कि जो पुरुषों की चेयर थी कहाँ, महिलाओं से थोड़ी दूरी पर, इसके पहले वाले में एस वन में अलग अलग दूर, मतलब अपनी अपनी सीट पर बैठने की बात हुई तो अब बताओ ना कि उनकी चेयर दूर थी, महिलाओं से दूर थी, अब उनकी चेयर जब दूर थी तो उसके बाद क्या होगा, सो यहाँ होगा, सो जब दोनों पार्टीज को, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए आगे की ओर झुकना पड़ेगा कोनी लगा के, तो झुकेंगे, तो एस के बाद पी कनेक्ट हो रहा है, और ये ड्रिंक अपनी अपनी ले लेके टहल रहे थे और वाशरूम जा रहे थे, ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो एस पहले कर लो, क्यू बाद में, कहाँ है एस क्यू, एस क्यू क्यू एस होगा कि एस क्यू होगा, हम क्यू क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यू तो गलत हो गया, हम लगाए तो पी क्यों है ना, तो एस पी ढूंढना चाहिए हमको, ये है यार एस पी, क्यू तो लगा ही नहीं था उसमें, तो ये भी दूसरा वाला हो गया, ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कौन सा है भैया, ये आ गए हम क्लोज टेस्ट, वही एक पैराग्राफ बीच में भरिए, आ जाओ पढ़ लेते, द मासेस लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, मासेस जो हैं यहाँ पे, मूसा जो हैं वहाँ पे रहते थे, आगे लिव रहते हैं, दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स, वो कहाँ रहते हैं, जो लंबा चौड़ा घास का मैदान है, इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया, सदर्न और नॉर्दर्न केनिया में एंड नॉर्दर्न तंजानिया में रहते हैं, तो ये हो गया, मतलब वो कहाँ रहते हैं, एक बहुत बड़े मैदान में रहते हैं, तो यहाँ हमको लग रहा है कि अलग जाएगा।
आगे लग रहा है द एरिया डैश ऑफ माइल्स, मतलब क्या हुआ इन इस जो एरिया है इसमें क्या क्या शामिल है, डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड, मतलब क्या हुआ बहुत दूर दूर तक फैली हुई ग्रास लैंड है। ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेज, और इस घाट के मैदान में क्या मिल रहे हैं, थॉर्नी बुशेज कटीली झाड़ियाँ मिल रही हैं, रॉकी हिल्स मिल पा सकते हैं। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक जगह से दूसरी जगह पर लोग मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सीजन, जब जब सीजन बदलता है तो उसके हिसाब से लोग जाते हैं। लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स, मतलब घास और दूसरे पेड़ पौधों की तलाश में जाते हैं। डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज, जिस पर इनके जानवर घास चर सकें, तो जिस पर होगा तो यहाँ क्या लगाओगे, आन विच लगाओगे, और कोई चांस नहीं। ग्रास आई है ना इसके पहले, घास ढूंढ रहे हैं, घास ढूंढ रहे तो घास पर ही तो इनके मतलब चलेंगे जानवर। लिखा है दे हैव नो परमानेंट होम, इन लोगों के कोई परमानेंट होम नहीं होते। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस, जब वो समटाइम के लिए दो तीन बरसात और शायद जैसे मान लो थोड़े दिन के लिए कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, तो दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप, तो एक तरह का कैंप तंबू टाइप का बनाते हैं जिसको मन्याता कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव, जहाँ पे कुछ परिवार रहते हैं। फॉर अ डैश वीक, तो फार आ लग ही गया है तो वीक्स लिखा हुआ है, वीक्स के मतलब फ्यू लगा हुआ और क्या, और चांस ही क्या है, जब आ लगा ही है और वो आगे वीक्स लिखा है तो फ्यू बचा लगाने के लिए, लगा लो, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल चलो आपको दिखाते हैं, तो पहले वाले के लिए क्या लगाओगे, द मॉसेस लिव इन डैश ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है याद रखिएगा, ये यहाँ लिखा है। अब ये पहले वाले में क्या दिया, दैट है, सम है, आ है, देयर है, तो मॉसेस लिव डैश अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो ब्यूटीफुल प्लेस मतलब कि अ ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेन, दैट वेरी ब्यूटीफुल, सम वेरी ब्यूटीफुल, देयर वेरी ब्यूटीफुल लगेगा, नहीं क्या होगा, अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। और दूसरे वाले फिलर में क्या दिया हुआ, आपको पढ़ा के मैं दिखाता हूँ एक बार, आप ध्यान दीजिएगा इसका कहाँ है, ये रहा। तो इस दूसरे वाले फिलर में क्या है, इन्होंने कहा कि द एरिया, ये जो एरिया बता रहे हैं ये एरिया क्या है, द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड, इस एरिया में क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल है, बहुत दूर दूर तक फैले हुए ग्रास लैंड, ठीक है। तो इसमें ऑफ लगाना है, कोई ऐसी चीज़ लगाओगे ना, ऐसा वर्ड जिसमें क्या लगेगा, ऑफ, जैसे इंक्लूड लगाओगे तो इंक्लूड में इन लगता है, इंक्लूड में लगाना ही नहीं है। तो देखो किसके बाद ऑफ आता है और वो शामिल करने के लिए आता है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये रहा हमारा, तो शामिल करने के लिए क्या लगाओगे, कंसीडर्स लगाओगे, नहीं कंसीडर के बाद ऑफ लगता भी नहीं है, ठीक है, मेजर्स के बाद भी नहीं लगेगा, कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है, यही लगेगा, कंसिस्ट ऑफ, इस घास के मैदान में शामिल है ये चीज़ें, ठीक है, सराउंड नहीं होगा, कंसिस्ट सराउंड के बाद ऑफ नहीं लगता है, सराउंड लगेगा तो क्या लगेगा, कंसिस्ट ऑफ लगेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में आया हमारा 35 वाला फिलर, तो पहले देख लेते हैं 35, देखना एट लगा है, बिद लिखा है, आन लिखा है, बाय लिखा है, तो ये कह रहे हैं घास का मैदान जिस पर इनके घास इनके जानवर चरते हैं, दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है ना, इन्होंने देखो क्या क्या, पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब प्लेस टू अनदर प्लेस, क्या करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द सीजन, लुकिंग फॉर ग्रासेज, क्या रहे घास ढूंढ रहे, लुकिंग फॉर ग्रासेज आर अदर प्लांट्स, डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज, जिस पर उनके घास जानवर घास चर सकें, तो यहाँ क्या लगाओगे, जिस पर के लिए क्या लगाओगे, तो जिस पर के लिए क्या लगाओगे, ये जो ऑप्शन जितने दिए हुए हैं, जिस पर, एट विच वो घास चर सकें, कि विद विच वो घास चर सकें, कि बाय विच वो घास चर सकें, या आन विच वो घास चर सकें, जिस पर घास चर सकें। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में मैंने क्या कहा था, अब वहाँ लिखा वीक्स, ठीक है, आ लगा है, डैश लिखा है, और उसके बाद वीक्स लिखा हुआ, वीक्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो लीस्ट वीक्स होगा नहीं, लिटिल लग नहीं सकता, सिग्निफिकेंट वीक्स होगा नहीं, क्योंकि वीक्स प्लूरल लगा हुआ, तो आप ये वीक्स ही लगा पाओगे, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 33 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किस पर, अब क्वेश्चन बचे रह गए हैं 12, तो 12 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन बड़े बड़े पैसेज हैं, बड़े बड़े पैसेज, तीन बड़े बड़े, तो अब हम आपको पैसेज पूरा पढ़वाएं,
ठीक पूरा पैसेज पढ़वाएं, या फिर आप, मैं रोका हूँ, आप पैसेज पढ़ लीजिए पहले, ठीक है ना। तीनों पैसेज पीडीएफ कर तो चुके होंगे मुझे जहाँ तक पता है, नहीं तो मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, आप क्या कर लिए, रुका मतलब क्या हुआ, वीडियो पॉज कर लीजिए, हम रुके इतनी देर बैठे थोड़े नहीं है, वेट करेंगे, हम भी पॉज करके बैठे हुए तब तक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। रील मतलब जब शुरू करूँगा, जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे अब धीरे धीरे से, ठीक है। तो करना क्या है आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अच्छा पढ़ेंगे कैसे, मैं क्वेश्चन पढ़ा दे रहा हूँ, आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के आपके तुरंत बाद क्या करेंगे, हम सीधे आंसर देंगे। तो इस पैसेज को किया कैसे जाता है, सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है, उस दिन वाले में भी मैंने बताया था, आज भी वही तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। ये जो पैसेज है ना, ये पैसेज अभी पढ़िए नहीं आप, इसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप पैसेज पढ़िए, फिर फटाफट आपको आंसर दिलाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या दिया, 34-33 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, क्या लिखा है कि हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन UK। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स की संख्या जो UK में पढ़ने के लिए वीज़ा ले रहे हैं, ये चीज़, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये कुछ सोर्सेज के बारे में बताया इन्होंने। 35 नंबर पे क्वेश्चन है कि इन 2019 में हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रॉड, कितने इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड गए थे, सीधे सीधे इतना लाख। आपको ध्यान रखना है कि 2019 का डेटा आपको ढूंढना है, कहीं एक लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, हमें कैसे पता चलता है, ठीक है ना। दोनों आंसर एकदम सीधे सीधे लिखे हुए आपको मिल जाने वाले हैं, क्लियर। तो आगे आते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आपको। ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है, चार ही क्वेश्चन है एक पैसेज में। यहाँ क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट वेरी पॉपुलर विद इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीज, मतलब कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, उनके बीच में पॉपुलर नहीं है। और पैसेज मेनली अबाउट, पैसेज किस बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ये चार क्वेश्चन है। आप ध्यान में क्या रखिएगा कि कितने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलता है, कितने बच्चे 2019 में वीज़ा बनवाए अमेरिका पढ़ने जाने के लिए, कौन कौन से देशों में पढ़ने जाना उनके इंटरेस्ट में है, कहाँ नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन की मेन थीम क्या है, किस बारे में ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ, आप अपना पढ़ डालिए, क्योंकि मैं जब रिस्टार्ट करूँगा तो सीधे आंसर पे आ जाऊँगा और वो आंसर मैं आपको उसमें दिखाऊँगा, ठीक है, पैसेज में। लेकिन पढ़े आप रहिए, पढ़ लीजिए आप, ठीक है। तो मैं रुकता हूँ, आप पैसेज पढ़िए, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक। तो वेलकम बैक, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं आंसर कहाँ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या दिया कि इन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलता है कि ये बच्चे वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कहाँ से पता चला था, इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट से पता चला था, मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ दोनों देखिएगा, ये 2019 में कितने बच्चे अमेरिका गए थे, तो ये क्या था, 5.86। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ दिया हुआ, ये यहाँ जाओ, ठीक। तो एक चीज़ तो यहाँ पे देखो, कह रहे हैं कि बच्चे वहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं फॉर UK, इन्होंने कहा, ये सारी रिपोर्ट आती है ना, ये सारी रिपोर्ट आती है कि बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं। देखो लिखा कि लेटेस्ट इमिग्रेशन रिपोर्ट्स फ्रॉम सम ऑफ द पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, कुछ रिपोर्टें आती हैं। तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है UK जा रहे हैं, US जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तीन देशों का नाम आया था, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, और चाइना नहीं जा रहे हैं, चाइना का भी वहाँ पे जिक्र है। तो कहाँ नहीं जा रहे हैं, चाइना नहीं जा रहे हैं, ये बात हो गई। अच्छा फॉर द UK, खासतौर से UK की बात हो रही थी, UK की बात में लिखा द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट स्टेट्स, उसमें ये इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। दो हो गया, दो आंसर आपको मिल गया, एक आंसर और आपको दिखाते हैं इसमें से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर रहा, जो था ये कि 2019 में कितने बच्चे गए थे, 2019 में कितने बच्चे गए थे, 5.86 लाख गए थे, ठीक है ना, ये आंसर था। चलो अब फिर आ जाओ क्वेश्चन पे अपने। तो क्वेश्चन में ये वाला एक क्वेश्चन था
कि हाउ डू वी नो, कैसे हमें पता चलता है कि बाहर जा रहे हैं, तो यही होता है इमिग्रेशन स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट। 2019 में कितने गए थे, 5.86 गए थे। नेक्स्ट आ जाओ अपना, नेक्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन कर लो कि वो उनका पॉपुलर डेस्टिनेशन क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और यूके है, चाइना वो नहीं जा रहे हैं पढ़ने, क्योंकि जहां वो पढ़ने जा रहे हैं उसमें चाइना का नाम नहीं है। तो ये हो गया दिस पैसेज इज मेनली अबाउट। पूरा पैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुरुआत से लेकर के लास्ट तक पैसेज में किस बारे में बात हो गई, इंडिया के स्टूडेंट्स के बाहर जाकर पढ़ने की बात हुई है। तो इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये होगा इंडियन गोइंग टू अमेरिका फॉर हायर स्टडीज़, केवल अमेरिका लिखा हुआ याद रखिएगा, केवल अमेरिका की बात करोगे तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये केवल अमेरिका है। आगे लिखा है इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू कहाँ, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अच्छा, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस, इंडियंस कितने बाहर जा रहे हैं, देखो अगर हम बात करते हैं ना कि इंडियंस के बाहर जाने की, तो इसमें स्टूडेंट्स के अलावा बाकी और लोग भी शामिल हो जाएंगे। देखो नाम वही है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, आप लालच कर गए होंगे, आपको लगा होगा यही वाला ठीक है, लेकिन गलती आपने क्या की है आपको अंदाज़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिखा इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस, जबकि इस पैसेज में बात इंडियंस की नहीं, किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की हो रही है। तो इंडियंस गोइंग एब्रोड फॉर हायर स्टडी, जो इंडियंस बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बात उस पर है, तो आपका टाइटल तीसरा वाला ना होके चौथा वाला होना चाहिए, इसी के बारे में हम बात ही किए हैं इसमें, ठीक है, अब सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, तो अब हम लोग आते हैं आपके नए वाले पैसेज पर। तो नया वाला पैसेज देखो, ये लंबा चौड़ा सा है, अब इसमें फिर वही कहानी करेंगे, पैसेज आप पढ़ लो बेटा, मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ, क्वेश्चन के बाद सीधे पहुँचेंगे कहाँ, क्वेश्चन के बाद सीधे पैसेज, पैसेज आपको खुद पढ़ना पड़ेगा जैसे इस वाले को पढ़े थे। लेकिन इसके पहले आप पैसेज पढ़ें, इसके पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, 38 में क्या है कि रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दिया यह है कि द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द चाइनीज़ बैलून, यूएस की एयरफोर्स ने बैलून को क्या किया, चाइनीज़ बैलून को गिरा दिया, मार के गिरा दिया यूएस टेरिटोरियल वाटर, ठीक है ना, कहाँ, ओवर, जो यूएस टेरिटोरियल वाटर मतलब जो अमेरिका का समुद्री सीमा थी, वहाँ पर इन्होंने चाइनीज़ बैलून को मार के गिरा दिया। आगे लिखा है कि टेंशन्स बिटवीन चाइना एंड यूएस हैव बीन क्रिएट, तो चीन और अमेरिका के बीच में जो टेंशन है वो और बढ़ गई, और इसी चक्कर में द विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बीजिंग में वो विजिट थी, वो क्या हो गई, हैज बीन पोस्टपोन्ड, उसको रोक दिया गया। अब क्वेश्चन ये दिया है कि ए इज़ फॉल्स बी इज़ ट्रू, आप पैसेज पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि ए सही है कि बी सही है, कि ए गलत है कि बी सही है, ए इज़ फॉल्स। अब इन्होंने कहा अगर पहला आंसर कब होगा, अगर ए गलत होगा बी सही होगा, दूसरा आंसर कब होगा, बोथ एंड बी आर ट्रू, दोनों सही है, ए भी सही बी भी सही है, और बे जो बी जो है वो ए का को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा बोथ एंड बी आर ट्रू, दोनों सही हैं लेकिन बी जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, और चौथा क्या होगा, ए सही है लेकिन बी गलत है। तो पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो क्या बी ए को एक्सप्लेन कर रहा, देखो अगर सही है तो एक्सप्लेन तो कर रहा है, ये बात तय है, क्योंकि बी ए वाले में टेंशन दोनों में शुरू होती है, उन्होंने उनके बैलून को मार गिराया तो टेंशन हो जाएगी, तो अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं उनको उनकी यात्रा कैंसिल हो जाएगी, तो एक्सप्लेन तो कर रहा है। अगर ये बात सच है कि अमेरिका ने उनका बैलून फोड़ा है तो बात सच हो जाएगी, दोनों सही हो जाएगी, तब तो बी वाला आंसर हो जाएगा। फिर पता लगाना है आपको, हम नहीं पता लगाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपका क्वेश्चन अगला, तो देखो फिर 39 में इन्होंने पूछा है कंटिगुअस, कंटिगुअस वर्ड जो है उसकी आपको मीनिंग बतानी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, मेनली अबाउट, किस बारे में है ये पैसेज, किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है, ये करना है आपको, ठीक है। फिर आ जाओ आप इस वाले पे, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 में क्या कर रहा है, हाउ डिड यूएस मेक श्योर, यूएस कैसे मेक श्योर करता है कि द बैलून फ्लाइंग ओवर द टेरिटरी वाज अ स्पाई बैलून, ये जो था वो स्पाई बैलून बैलून था, मतलब जासूसी था, कैसे पता करता है, तो आप ये पता करिए, वहाँ पे सीधे सीधे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करिए, हम पॉज लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आंसर। और ये जो 38 वाला आंसर है, देखो इसमें क्या था, आपने पढ़ के देखा ही होगा कि द US एयर फोर्स शॉट डाउन द चाइनीज बैलून, तो US और कनाडा की फोर्सेज ने इसको तो गिरा दिया था। ठीक, आगे लिखा है कि बातचीत जो इन दोनों के बीच में थी, उनका उनकी जर्नी फिर वहाँ पर रोक दी गई थी। बात ए भी सही है और बी भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए? फिर आंसर वही होगा बी वाला, बोथ ए एंड बी आर ट्रू और बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये सही होगा दूसरा वाला। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन कि द वर्ड कंटीगुअस, कंटीगुअस का मतलब जानते हो, जो पड़ोस में होता था, बगल वाला। पैसेज में इसी सेंस में आया था कि पड़ोसी, कंटीगुअस कंट्री, तो पड़ोसी राज्य जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। मेनली अबाउट द पैसेज किस बारे में दिया हुआ है, तो देखो पैसेज चाइनीज बैलून फ्लाइंग ओवर द ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, दो तीन कंट्री के ऊपर था। द स्ट्रेंड रिलेशंस बिटवीन US एंड चाइना, US एंड चाइना के तनावपूर्ण रिश्तों पर नहीं है, बल्कि इसका मेन मुद्दा वो बैलून है। ठीक है, लिखा अ चाइनीज स्पाई बैलून फ्लाइंग ओवर US एंड कैनेडियन टेरिटरीज, ये बात कही गई है इसमें। चाइनीज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड, बिल्कुल ये भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, तीसरा वाला होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, क्या होगा क्वेश्चन नंबर आपका 41 में पूछ क्या रहे हैं, कैसे पता कि वो एक स्पाई बैलून था। तो आप लोगों ने एक चीज़ उसमें टॉपिक पढ़ी होगी ना, मैं आपको दिखाऊं क्या कि देखो यहाँ पे था, यहाँ पे देखो बैलून कैरीड एंटीनाज एंड अदर, बैलून में एंटीना लगा रखे हो तो क्या करने के लिए लगा रखे हो, जाहिर सी बात है ना, पकड़ाई चोरी ऐसे ही। तो ये हाल थी, तो उसमें बैलून में क्या लगा हुआ था कि इसमें एंटीना लगा हुआ था। ठीक, इस तरह के इक्विपमेंट लगे हुए थे, इसीलिए पता चला कि वो ये वाला स्पाई बैलून है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 42 से 45 के बीच में। वंस मोर एक लार्ज पैराग्राफ है, कितना बड़ा पैराग्राफ है, 3 पेज में गया है, तो इसके क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसका आपका ये यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 42 43 45। ठीक है ना, इसके एक पहले आ जाना चाहिए, 50 पर नहीं है, क्वेश्चन तो वहीं तक हो गया था ना। हाँ, तो आगे आ जाओ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52 51 तक हो चुका है। तो 42 में क्या इन्होंने पूछा, व्हाट इज द प्रोटैगोनिस्ट वियरिंग इन द बस, वो जो प्रोटैगोनिस्ट है वो बस में क्या पहन रखा है, धोती ट्राउजर लॉन्ग स्लीव शर्ट या पेयर ऑफ शॉर्ट। दूसरे में क्या है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन क्या है, किस टोन में बात किया है राइटर ने, सीरीन है मतलब बहुत शांत प्रिय टोन है, रोमांटिक टोन है, एंग्री है या एजिटेटेड है या गुस्से में बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, तो ये रहा आपका दो क्वेश्चन। और एंटोनियम बताना है किसका, एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट का एंटोनियम। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 ऑप्शन। उसके बाद क्या इन्होंने ऑप्शन दिया, इन्होंने कि सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, इसके लिए आप एक टाइटल, तो जब तक पढ़ नहीं लोगे तब तक टाइटल नहीं ढूंढ पाओगे। तो फिर वही कहानी जो अभी थोड़ी देर पहले कही थी, हम लेते हैं पॉज, आप पढ़िए पैसेज। वेलकम बैक, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें लिया है कि प्रोटैगोनिस्ट क्या पहनी हुआ था, आपको याद है ना, उसमें ट्राउज़र पहन रखा था जो मेन कैरेक्टर है, तो क्या पहने था, ट्राउज़र पहने हुए था। और टोन क्या है, तो देखो पूरे पैसेज में कहीं ना गुस्सा है, ना रोमांटिसिज्म है, ना कोई मतलब एजिटेशन वगैरह किस तरह का कुछ चढ़ है, एकदम किसी बहुत ही शांत मोड में लिखी गई है ना पूरा का पूरा पैसेज राइटर। तो ये टोन क्या है इसकी, एकदम से सीरीन टोन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आगे आ जाते हैं हम लोग। इसमें देखो इसमें क्या है, एंटोनी बताना है कौन सा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम द वर्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो एक्सेप्ट का पैसेज में एंटोनियम क्या है, तो जब हम लोग पैसेज पढ़ रहे थे तो एक वर्ड जानते हो क्या मिला है, दिखाएं आपको, देख लीजिए, ये मिला है डिक्लाइन। ठीक है, और यही पूछ रहे हैं कि क्या मिला था उसमें, तो ये पूछा, रिफ्यूज तो मिला नहीं, टर्न ओवर रिजेक्ट मिला नहीं, क्या मिला है, डिक्लाइन मिला है, यही उसका एंटोनियम था। और अप्रोप्रिएट टाइटल, इसके लिए टाइटल क्या लगा सकते हो बताओ, तो टाइटल लगाओगे ना लेक हेवन, लेक हेवन, लेक वहाँ के किसके बारे में, झीलों के बारे में कहा जा रहा है ना, तो उसी के लिए था ही। वो पीजेंट लाइफ पर पूरा नहीं है, शार्ट ऑफ ट्रूजर्स ये भी नहीं है, और जर्नी टू माउंट वागडा भी नहीं है, ये किसके बारे में है,
लेक हेवन के बारे में है, तो कुछ लेक के बारे में सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं ना। तो ये था आपका क्या था, पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन, और ये था CGL 2023 सेकेंड मार्च का पेपर। ठीक, अब ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन इतने से आपका पूरा काम नहीं बन जाएगा, चार पेपर से कुछ नहीं होगा। उस दिन भी मैंने कहा था कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस पेपर लगाइए, 2010 से लगा डालिए, बहुत सेट मिलेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप CGL मेंस के ही सेट लगाइए, CHSL मेंस के सेट लगाइए, CGL मेंस के सेट लगाइए, जितना जहाँ से मिलता है, ज़रूरी नहीं कि 45 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का है लगाओ, 50 क्वेश्चन का है लगाओ, बस जस्ट प्रैक्टिस 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 करो। ठीक, और रीडिंग वाले पे ज़्यादा जोर देना, कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, अभी देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रॉस टेस्ट रीअरेंजमेंट इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्वेश्चन करीब 22-23 क्वेश्चन इसी पर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया समझ में आ गई होगी, ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा इस पर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।